वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से सिर्फ आपकी सावधानियां ही बचा सकती हैं, जिसके तहत आपको सबसे पहले लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में रहना है। वहीं साफ सफाई का 100% ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको बार बार अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से धोने की आवश्यकता है। वहीं अगर आप बेहतर तरीके से मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बढ़ते संक्रमण की वजह से कई जगह मास्क की शॉर्टेज देखी जा रही है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए लोग इस परिस्थिति में कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर मास्क नहीं मिल पा रहा है तो संक्रमण को रोकने के लिए कुछ घरेलू तरकीब से बनाए गए मास्क के जरिए खुद को बहुत ही हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। आप आसानी से अपने साफ सुथरे रुमाल से मास्क बना सकते हैं। इसी के तहत रामगढ़ के रॉबिन हुड प्ले स्कूल की डायरेक्टर वर्षा अग्रवाल ने बताया कि घर पर मास्क कैसे बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बहुत ही ज़रूरी है। आजकल मास्क की किल्लत बाजार में देखी जा रही है, हालांकि लोगों को घर पर सैनिटाइजर बनाने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन वह घर बैठे आसानी से अपने रुमाल से 2 मिनट में मास्क बना सकते हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बताया कि इस लॉकडाउन में दुकानदारों की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है। इसमें उसने लिखा है कि स्वैगी, जोमेटो जैसी कंपनियां लोगों की मनपसंद होटलों से मनपसंद होम डिलीवरी सर्विस देती है। अगर लोगों को घर घर में लिस्ट के हिसाब से राशन भी डिलीवरी दे तो कालाबाजारी पर लगाम लगाया जा सकता है और लोग राशन लेने के बहाने बाहर जाने से बचेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन होगा। इंडिया में मास्क की शॉर्टेज और कालाबाजारी रोकने के लिए चलिए आज मैं घर पे ही मास्क बनाना आपको सिखाती हूँ। इसे हमें सिर्फ एक कॉटन हैंकी की ज़रूरत है, 2 रबर बैंड की ज़रूरत है और चलिए मैं आपको मास्क बनाना सिखाती हूँ। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और सबसे बड़ी बात है कि ये रीयूजबल है। हम इसे घर पे वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। डिटॉल, गर्म पानी लेके डिटॉल डाल के हम इसे क्लीन कर सकते हैं। तो हर एक सदस्य के लिए 2 मास्क अगर घर पे बनाया जाए तो ये काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी अच्छा कॉटन मास्क हो सकता है। तो चलिए हम इस मास्क को बना के यूज़ करते हैं, ताकि आप लोग भी ये मास्क को घर पे ही बनाएं और बाज़ार ना जाएं। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है